प्रकट का सिद्धांत होता है। एक योगियों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि कर्म को नाश कर दें, कर्म को निकाल दें। प्रकट का अपना सिद्धांत होता है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष ही ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना। तभी सफलता का कारण हमारा यही है कि साधक को जैसा यानी जिस अवस्था में कुंडलनी जागृत होती है या कंठ चक्र खुलता है, ब्रह्मरथ खुलता है या आज्ञा चक्र खुलता है या इससे भी आगे की अवस्था, तो चित्त पर एक निश्चित अवस्था तक शुद्धता होनी चाहिए, कर्मों का नाश होना चाहिए और व्यापकता आनी चाहिए, वो पैमाना पूरा होना चाहिए, तभी वो चीज़ प्राप्त होती है। ठीक, और उसके लिए मैं इतना योग बल का प्रेशर मारता हूँ और विशेषता को प्राप्त किए हुए हूँ पूर्व जन्मों से, उसका प्रयोग करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी करता रहूँगा। ठीक है, इसलिए मैं तुम में से किसी एक साधक का मैं कुंडली थोड़ी बहुत उठा दूंगा, फिर किसके साधक का जरा भी जल्दी में निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। शिविर एक दिन का है, एक दिन क्यों, जब तक 5 दिन का शिविर ना हो तो शक्तिपात करने का उचित लाभ अभी तुरंत नहीं जान पड़ता। साथ को यहाँ से जाकर के जब घर जाना तो कठोर साधना करना, जो मैं शक्तिपात कर रहा हूँ, हालांकि शरीर को यानी सिर के ऊपरी भाग को स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। और घर में जाकर के जब आप कठोर साधना करेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते में आपको शक्ति पास का कुछ न कुछ प्रभाव होगा, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ न कुछ यानी पहले की अपेक्षा से कुछ ज़्यादा अंतर्मुखी होगी या कुछ अपने अंदर बदलाव पाएंगे। ठीक है, शक्तिपात का ये मतलब नहीं होता कि तुरंत हो या तुरंत अनुभूति हो जाए, फिर मैं उसे दूसरे तरह से करता हूँ। तो अब की बार तो मैंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि कर्म बड़ी तेज़ी से निकलते हैं, तभी वैसा हो पाता। रायवाला में जो करता था, मैं विशेष प्रकार की सिद्धि का ही प्रयोग करता था। सीधे कुंडलनी देवी से मुझे कहना पड़ता था कि माँ मुझे ऐसा काम करना है, इसीलिए काम फटाफट होता था और लोगों की कुंडलनी जागृत होती थी। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं हमेशा उस अवस्था को नहीं, फिर वो थोड़ा दुरुपयोग जैसा होता है। नहीं है कि अगर ऐसा पद मिल गया, पावर मिल गया या योग्यता मिल गई है तो हमेशा शक्ति का दुरुपयोग नहीं, प्रकट दुरुपयोग नहीं किया जाता। एक नियम होता है कि मनुष्य अपना कर्तव्य करके ही आगे बढ़े, यानी कर्म करके फल की प्राप्ति करे। और यहाँ हम उसके सिद्धांत के विरोध में चल रहे हैं, अर्थात प्रकृत के नियमों के विरुद्ध होने के कारण मैं एक अच्छा योगी नहीं हूँ। कि प्रकृत के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। हमारे पूर्व काल में राम और भगवान कृष्ण जी आए, भगवान राम और भगवान कृष्ण जी आए, उन्होंने भी प्रकृति के नियमों का पालन किया और सम्मान किया। वो चाहते तो क्षण भर में सब कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी एक मर्यादा में रहे। भगवान राम मर्यादा में रहे, भगवान कृष्ण भी एक पूर्ण स्वतंत्र के रूप में उन्होंने अपना जीवन बिताया। हालांकि भगवान राम जी ने ऐसा अपनी लीलाएँ दिखाएं कि वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहे, लेकिन कृष्ण भगवान तो ऐसे रहे कि वो उनमें 16 कलाएँ होने के कारण उन्होंने अपनी 16 कलाओं का प्रदर्शन किया, यानी सभी समाज के सामने दिखाया। और योगेश्वर कहे गए क्योंकि योगेश्वर होने के कारण, और ब्रह्म स्वरूप ही थे क्योंकि ये जो अवतार हैं पराप्रकट से आते हैं और पराप्रकट में चले जाते हैं, वो अपराप्रकट को नियमों को अपने अधिकार में लेकर ही उनका जन्म होता है। तत्वज्ञानी योगी से उनकी एक सीढ़ी आगे होती है, जो ये अवतार होते हैं। और अवतारों के भी अपने अपने कार्य होते हैं, अपना कार्य करके अपना वापस चले जाते हैं। ये संसार उनके लिए एक लीला मात्र है और इस संसार उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब कि कर्म का जो सिद्धांत है उन्होंने भी पालन किया, लेकिन मैं एक ऐसा योगी कि शायद मैं अपनी शक्ति का या जो भी है मैं थोड़ा पालन नहीं करता हूँ, इच्छानुसार अपना आगे बढ़ाता रहता हूँ। तो इसके लिए मुझे सुप्रीम पावर से डांट भी खानी पड़ती है, तो मैं भी मजबूर हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा साधकों की कुंडली उठा देता हूँ। और वैसे भी मेरा कार्यकाल समाप्ति ही भविष्य में होने वाला है, निकट भविष्य। तो बड़ा अफसोस है कि अगर और ज़्यादा मुझे 10 साल मिलते इस मार्गदर्शन करने के लिए,
तो एक साल में अगर 10 साधन निकालता तो 10 साल में मैं 100 साधक तो बना ही देता। खैर चलो, ये तो एक कल्पना है, जो कल्पना कभी पूरी नहीं होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।